वेदांता ने केयर्न इंडिया के साथ मर्जर की शर्तों में किया बदलाव। केयर्न के एक शेयर के बदले वेदांता का एक शेयर मिलेगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को लुभाने के लिए 4+1 का ऑफर। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर बढ़ेगी मुश्किलें। बिना पैन वाले बड़े लेन देन का भरना होगा कंफर्मेशन फॉर्म। आयकर विभाग ने 7 लाख लोगों को जारी किए हैं नोटिस। कंपनियों के एक दिन में जारी होगा पैन और टैन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को सस्ते रेट पर मिल सकते हैं हाउसिंग लोन। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ईपीएफओ और शहरी विकास मंत्रालय के बीच बन सकती है सहमति। रेल यात्रियों को 1 रुपए में मिलेगा 10 लाख रुपए का बीमा। आईआरसीटीसी पर टिकट बुक कराते समय चुन सकते हैं विकल्प। बीमा के लिए 3 कंपनियों का चयन। जीएसटी से 1% इंटरस्टेट टैक्स हटाने पर सरकार और कांग्रेस में बनी सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर। 1% इंटरस्टेट टैक्स हटाने के लिए कैबिनेट नोट तैयार। अगले हफ्ते पेश होगा बिल। ओवर प्राइसिंग मामले में सिप्ला को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 175 करोड़ रुपए जमा करने का दिया निर्देश। अंतिम सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी। दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए बाजार सेंसेक्स। 93 निफ्टी 31 अंक चढ़कर बंद। पावर मेटल और केमिकल शेयरों में रही खरीदारी। एक्सिस बैंक के अनुमान से खराब नतीजे। मुनाफा 21% गिरकर 1560 करोड़ रुपए। एनपीए बढ़कर 2.54%। एसबीआई ने पेमेंट वॉलेट बजी के लिए आदित्य बिरला फैशन और आईआरसीटीसी के साथ किया करार। बड़े ब्रांड्स के आउटलेट में कर सकेंगे शॉपिंग। आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग के लिए भी होगा इस्तेमाल। कॉल ड्रॉप पर सोमवार को अहम बैठक। टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे टेलीकॉम मंत्री। बैठक में स्पेक्ट्रम ऑक्शन पर भी होगी चर्चा। मुंबई की आदर्श सोसायटी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। आखिरी फैसला होने तक सरकार इमारत को ले अपने कब्जे में। सोसायटी में न हो तोड़फोड़। भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 की तलाश जारी। बंगाल की खाड़ी में लापता हुआ विमान। नेवी ने भेजी पनडुब्बी। रक्षा मंत्री ने कहा सर्च ऑपरेशन में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हाफिज नवाज के एक ही बोल। नवाज ने कहा उस दिन का इंतजार जब कश्मीर होगा हमारा। हाफिज ने दी युद्ध की धमकी। समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार ने कहा इसे लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी। मसला गंभीर इसलिए फिलहाल लॉ कमीशन के पास भेजा गया। संसद की वीडियोग्राफी पर आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान के खिलाफ शिकायत। मान ने मांगी माफी मगर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने गोरखपुर में रखी एम्स की आधारशिला। 30 साल में बंद पड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की भी हुई शुरुआत। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। कोटद्वार में पानी में बही कई गाड़ियां। दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिर दिखाई सीना जोरी। वायुसेना के युद्धाभ्यास में उड़ाए अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां।